नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं सैफो ह्यूज ओ टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के उपयोग और फायदे के बारे में, कौन सी समस्या होने पर इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी समस्या को टैबलेट ठीक करती है, इसको लेने के बाद कौन कौन सी परेशानी हो सकती है यानी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसके डोज किस प्रकार से लेने चाहिए और इस टैबलेट में कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है। तो भाई, इस टैबलेट में कितना है, दम क्या है, कम सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टैबलेट में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो भाई आपको बता दें, सेफोडॉक्सिन प्रोक्सेटिल 200 mg मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है इस टैबलेट के अंदर। दूसरा साल्ट की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। ये दो साल्ट इस टैबलेट के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टैबलेट को यूज करने से पहले सावधानियों के बारे में। तो भाई, इस दवा को लेने से पहले अगर आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए कोई दवाई पहले से ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिलानी है, तो उनको भी इस दवाई को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है शराब पीने के साथ में। आमतौर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन यदि आपको नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए इस टैबलेट को लेने के बाद। ठीक होने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए इस दवाई को लेने के बाद में। साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए इस दवा को लेने के साथ में। आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है। बात कर लेते हैं इस टैबलेट से होने वाले फायदे के बारे में। तो मुख्य रूप से इस टैबलेट का यूज़ बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को खत्म करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, इस दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग प्रकार के संक्रमण, जैसे दिमाग में होने वाला संक्रमण जिसे हम मेनिनजाइटिस कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का कई बार इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड को ठीक करने के लिए भी कई बार इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कान का संक्रमण होने पर, पेशाब का संक्रमण होने पर, मूत्रमार्ग का संक्रमण होने पर, हड्डियों और जोड़ों का संक्रमण होने पर इस टैबलेट को यूज किया जाता है। त्वचा, रक्त और हृदय के इलाज के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। आपको बता दें, यह टैबलेट आमतौर पर आपको कुछ दिनों में अंदर बेहतर महसूस करा देती है, आप अच्छा फील करने लगेंगे, लेकिन आपको इसे बताए गए अनुसार लेते रहना चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर से लेने को मना ना करें, तब तक आपको इस दवाई को लेना है, अपना कोर्स पूरा कर लेना है। अब बात कर लेते हैं इस दवाई को लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस दवाई को लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा उल्टियों का मन हो सकता है, बहुत ज्यादा उल्टियां आ सकती हैं, बहुत ज्यादा आपको दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगे, या बहुत तेज़ सर में दर्द होने लगे, तो भाई आप तुरंत समझ जाएं कि टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये दवाई दी है। तो हो सकता है वो उस दवाई की जगह आपको कोई दूसरी दवाई चेंज करके देंगे जो आपको सूट कर सकेगी। बात करें इसके डोज की, तो डोज इसका ठीक उसी प्रकार से लेना है जैसे आपके डॉक्टर ने बताया। अपनी मन मर्जी से कम या ज़्यादा मात्रा में इसका डोज ना लें, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आपको हमारे द्वारा इस दवाई की दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि इस दवाई के बारे में और लोगों को भी पूरी और सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाई की जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं ऐसी दवाई की सही जानकारी पाना, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।